इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। काशी, बनारस या फिर वाराणसी, आप चाहें इसे किसी भी नाम से पहचानें, ये शहर उतना ही पुराना है जितना पुराना समय है। गंगा नदी के किनारे पर बसा वाराणसी शहर सदियों पुरानी सभ्यताओं का गवाह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक कोने से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनके सिर श्रद्धा से झुके होते हैं और होठों पर प्रार्थना होती है। लेकिन एक ऐसी बात है जिसके लिए वाराणसी सबसे ज्यादा जाना जाता है, और वो है उसके घाट। यहाँ कुल मिलाकर 88 घाट हैं। इतिहास, दंत कथाओं और मिथकों से ओतप्रोत हर घाट की अपनी एक कहानी है। हम आपको बताते हैं इनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध घाटों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दशाश्वमेध घाट के बारे में। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यही अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों की आहुति दी थी। इस बलिदान की कृपा आज भी जारी है। दशाश्वमेध घाट के पूर्व की तरफ मान मंदिर घाट है, जिसे सन 1600 में राजा मान सिंह ने बनवाया था। बाद में यहाँ एक वेदशाला बना दी गई थी। घाट के उत्तरी कोने में पत्थरों की एक सुंदर बालकनी है। अब बात करते हैं मणिकर्णिका घाट की। इसका संबंध भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से है, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने कई सालों तक तपस्या करके भगवान शिव को इस बात पर राजी कर लिया था कि जब वो विश्व का विनाश करेंगे तब बनारस की पवित्र नगर का विनाश नहीं करेंगे। तब विष्णु के कान की बालियां नदी में गिर गई थीं और तभी इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। ये उन घाटों में से एक है जहां हर दिन मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। नदी के छोर पर करीब 2000 साल से लकड़ी की चिता पर दाह संस्कार हो रहे हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार जिंदा रहते गंगा में डुबकी लगाने से और मरने के बाद वाराणसी में अंत्येष्टि होने से मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त होता है। अब चलते हैं तुलसी घाट पर। तुलसी घाट का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि 16वीं सदी में संत तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना यहीं की थी। ललिता घाट का नाम हिंदू देवी ललिता के नाम पर पड़ा। इसे नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने बनवाया था। यह मंदिर काठमांडू शैली में लकड़ी का बना हुआ है। चेत सिंह घाट का नाम इसे बनाने वाले राजा के नाम पर है। इसकी डिजाइन भव्य किलेनुमा महल की तरह है। अंत में बात करते हैं 80 घाट की, जो ऐसी जगह स्थित है जहां गंगा का संगम 80 नदी से होता है। ये घाट बनारस के दक्षिण की तरफ है और ये शाम की आरती के लिए प्रसिद्ध है। शाम को जब यहां दिए जलते हैं, मंत्रोच्चारण होता है और शंख बजते हैं तो यहां का दृश्य देखते ही बनता है। अगर इन घाटों की सुंदरता का पूरा आनंद लेना हो तो सूर्योदय के समय नाव में बैठकर गंगा की सैर करना सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि तब तमाम शोर शराबा पीछे छूट चुका होता है और उसकी जगह शांत माहौल ले लेता है।